सो हे गाइस, वेलकम बैक विद कूल टोन फोटोग्राफी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अलादीन कॉन्सेप्ट एडिटिंग, या फिर कहते तो जो अलादीन का कारपेट होता है उस तरह की कॉन्सेप्ट एडिटिंग। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कमाल की वीडियो होने वाली है। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना तो बनता है। और हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप होने वाली, तो बिना स्किप की इस वीडियो को पूरा देखना और बहुत कुछ आपको सीखने में मिलेगा और बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना यार, 1K होने वाले हैं हमारी इंस्टाग्राम की फैमिली। तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आईडी का नाम है coolraj90। तो डेफिनेटली अगर करना चाहो तो कर लेना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह की वीडियोस एंड कंटेंट डेली के डेली अपलोड करते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा बैकग्राउंड, ऑलरेडी मैंने इसे बनाया है दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो या फिर ज़्यादा आपको वर्क ना करना पड़े ये। और तो और दोस्तों, और आपको जो मॉडल है वो इस टाइप में खिंचानी है क्लिक, या फिर जो आपकी फ़ोटो है वो इस टाइप में क्लिक करानी, जैसे कि आप कारपेट पे उड़ लो, आपको फील करना है कि हाँ भाई मैं आसमान में उड़ूँ, थोड़ा डर टाइप का, या फिर कुछ इस टाइप से भी आप क्लिक करा सकते हो बेसिकली। और ये रहा हमारा थर्ड PNG। बेसिकली दोस्तों, मैं ये तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैं बेसिकली ये जो बर्ड है उसका भी नहीं देता, बट क्या करें, इसका यूज़ होना है तो इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ा, वरना मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा कम काम करवाता हूँ, ठीक है। या फिर इतना तो आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपको एडिटिंग सीखना है। तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हमें इस जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है या फिर कस्टमाइज है। तो सबसे पहले हम अपने मॉडल को कंट्रोल A प्रेस करना है, कंट्रोल C प्रेस करना है, और यहाँ पर जाकर कंट्रोल V प्रेस पेस्ट कर देना, यानी कि हमें अपने मॉडल को अपने बैकग्राउंड पर ले आना है। तो अब हमें कुछ इस टाइप से इसे कारपेट पर सेट करना है। तो सबसे पहले जो हमारी मॉडल की जो लेयर है बैकग्राउंड, यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं करूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि हम इसे ब्राइटली कर सके। कंट्रोल टी करते हैं हम, और शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके अगर आप बड़ा छोटा करोगे तो ये मोटा पतला, मतलब जो मोटे पतले हो जाते हैं हमारे जो मॉडल, उस टाइप का नहीं होगा, ठीक है। तो हम इतना रखते हैं फिलहाल, अब मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, इसको इस तरीके से। बेसिकली दोस्तों, अब हमने जो मॉडल है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है और इसे सेट भी कर लिया है। तो अब हमें इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, कारपेट से जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो शूज़ हैं वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे जो मॉडल की लेयर है उसकी ओपेसिटी कम करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें वो थोड़ा बहुत कारपेट दिख सके, ताकि हम अच्छे से रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे हम करेंगे अब इसे रिमूव। तो रिमूव करने के लिए सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है रिमूवर में, या सॉरी इरेजर में, तो आपको इरेज टूल सेलेक्ट करना है, ओके प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको जूम कर लेना है, और आप अपने हिसाब से काट सकते हो। फिलहाल मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा कर लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर, ज़रा ओपेसिटी का हमें, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, मिस्टेक नहीं करनी, भले से थोड़ा सा बहुत टाइम दे सकते हो आप इसे, मतलब टाइम से ही करना, जल्दबाजी में कभी भी एडिटिंग मत करना, तक क्योंकि जल्दबाजी में एडिटिंग करी प्रोफेशनल नहीं रखती और मज़ा भी नहीं आता, लाइक ही नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा है एडिटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मूथली वर्क करना है, और जब आपकी जो एडजस्ट हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा हमारा हार्डनेस है उसे 50% के आप आसपास रख सकते हो। यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ, तो सो ये रही परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इस एरिया को भी इरेज कर लेते हैं फटाफट। हाँ तो दोस्तों, हमने सेपरेटली हमने इरेज कर लिया है। अब हम इसकी ओपेसिटी हाई करके देखते हैं कि ये परफेक्टली इरेज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखते हो तो काफ़ी सही लग रहा है हमारा पेयर, बड़े एकदम अच्छा लग रहा है, यहाँ पे परफेक्टली हमने इरेज कर दिया। तो इस टाइप से आपको फिट कर लेना है अपना मॉडल। तो अब हमें सेट करना है हमारा नेक्स्ट PNG। तो सबसे पहले हम इस बर्ड पर जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, इसे भी हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बट दोस्तों यहाँ पर आपको इसे भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, और इसे कंट्रोल टी करके यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी कंट्रोल डी वगैरह कुछ मत करना। अब आपको जाना है, याद रखिएगा, आपकी जो बर्ड वाली है वही लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए। फिल्टर में जाना है, ब्लर पे जाना है, और यहाँ पे ले लेना है गजन ब्लर, ठीक है। और जो हमारा बर्ड है उसे करीबन आपको ब्लर कर देना है, मैं बता रहा हूँ कितना करना है। तो हाँ बस 223-22 के आसपास आप रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इतना रखता हूँ, ठीक है, ओके प्रेस करना है। और यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो इसका फ़ायदा अब मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली कंट्रोल टी करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको शिफ्ट और एंटर दबाते हुए इसे बिग कर लेना है या फिर बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ऐसा रखना है ज़रा। तो हाँ तो उसे ये हमने फिट करके ओके कर दिया। जो हमारा ब्लर PNG था वो हमारी फ़ोटो को परफेक्टली, मतलब टोटल अच्छा लुक देगा, या फिर कहता हूँ एक भरा भरा लुक देगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम जब भी हमारे जो शूट हो रहा है हमारा, जैसे कि हमारे जो लेंस के पास है, तो इसलिए हम इसे फोकस नहीं कर रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट, इसलिए थोड़ा ब्लर टाइप का। तो ये आपको फील देगा नेचुरल टाइप का। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी के ऑलरेडी वर्ड्स मैंने ऐड कर रखे हैं,
तो अब हमें करना है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग। तो यहाँ पे आपको आप आई होप मैं उम्मीद करूँगा सब कुछ आपको समझ आ गए होगा। अब हमें कर लेना है मर्ज विजिबल सारी लेयर्स को। काफ़ी सिंपल से स्टेप्स में बताया है दोस्तों आपको, इजी वे में आपको समझ आ गया होगा। अनलॉक करना है उस लेयर को कंट्रोल, जैसे एक और कॉपी बनानी ताकि हमें हमारे पास एक ऑलरेडी बैकअप रहे तो हमें सॉरी बैकअप रहे तो हमें फ़िल्टर पर जाना है, कैमरा रॉ फिल्टर पर जाना है। और अब हम करेंगे इसकी कुछ ना कुछ कलर ग्रेडिंग या फिर कुछ कलर ग्रेडिंग। बेसिकली दोस्तों मैंने एक पार्ट मिस कर रहा हूँ मैं इसमें, मैं अपने इस में मॉडल की को जो सो स्मूथ स्किन है या फिर कहता हूँ मॉडल को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ रिटच वगैरह। तो आप अगर आपका मॉडल नहीं हो अच्छा, अगर मैच ना हो रहा हो तो आप कर लीजिएगा। तो फिलहाल इधर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर को कर देना है +4, ठीक है +4 कर देना है। और जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है उसे आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपकी फ़ोटो इस टाइप से दिख रही है थोड़ी भद्दी भद्दी या फिर कलर थोड़ी एकदम ऐसा लग रहा है कि फीका सा, आप इसे कॉन्ट्रास्ट को हाई कर सकते हो। तो फिलहाल जो मेरा कॉन्ट्रास्ट था वो काफ़ी सही है, तो इसे मैं प्लस के 2 या फिर 5 तक ले जाऊँगा क्योंकि कलर ग्रेडिंग थोड़ी कलर अच्छे लगे हमें। हाईलाइट भी आप देख सकते हो अपने मॉडल के हिसाब से, तो फाइनली हाईलाइट वगैरह सब कुछ ठीक है। हमें हाईलाइट को भी इंक्रीज़ कर देना है, शेडो को आप डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ भी कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा मॉडल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शेडोज़ हैं, ठीक है। शेडोज़ मतलब ब्लैक लेस, ठीक है। यहाँ पे हमें वाइट को थोड़ा करना है, ब्लैक को फिर करना है। और यहाँ पे क्लियरिटी को आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिलहाल जो मेरा मॉडल है काफ़ी सही है तो ज़्यादा मैं क्लियरिटी नहीं बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसे जूम ज़रा, और यहाँ पर क्लियरिटी को आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फिलहाल मैं बढ़ा देता हूँ। वाइब्रेंस को थोड़ा हाई कर देना है आपको, मिनिमम से मिनिमम तक कर देना है, बट आपको फ़ोटो को इसी टाइप का लगना चाहिए। और यहाँ पे आपको करना है दोस्तों जो हमारा येलोइश है, येलोइश कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसे हम थोड़ा रिमूव करेंगे या फिर इसका जो सेचुरेशन है वो कम करेंगे, बट हमारा जो जैकेट है वो ख़राब हो जाएगा तो हमें इसे थोड़ा इंक्रीज ही कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा ल्यूमिनेंस है उसे पर ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों। जो हमारे देखें तो हमारे नीचे का पार्ट है वो इधर इससे थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, तो हमें उसको ज़रूरत थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो अपनी फ़ोटो के हिसाब से। फिलहाल मैं रिकमेंडेड करूँ कि आप सेम टू सेम मेरे जैसे ही करो। ये हमारा स्किन का है, तो अगर आपकी स्किन डल दिख रही हो जैसे कि यहाँ पे देखिए पूरी ब्लैक हो चुकी है, यहाँ पे आप पूरी वाइट हो चुकी है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत इंक्रीज़ कर रहा हूँ। बट हाँ यहाँ ध्यान देना, अगर आप ऑरेंज को छेड़ोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत तेज़ी में चढ़ेगा, तो ध्यान से करना। तो इस टाइप से आप सेटिंग रख सकते हो। डेफिनेटली ह्यू को कुछ नहीं करना है आपको, सेचुरेशन में और कुछ वगैरह सब कुछ छेड़ वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, बस इस टाइप से छेड़ करना है। और आपको मॉडल जैसा भी कपड़े पहने हो उस टाइप से आप उस कलर के यहाँ पे ल्यूमिनेंस को ही छेड़ सकते हो। कलर ग्रेडिंग हमें कलरफुल रखनी है ना कि ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, और ज़्यादा कलर भी नहीं। तो यहाँ पे मैं सभी को छेड़ लेता हूँ थोड़ा बहुत ल्यूमिनेंस को। अब डन हो गया दोस्तों, अब देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर कि हमारी जो एडिटिंग है वो परफेक्ट हुई है या नहीं। हाँ दोस्तों देख सकते हो एक अलग से लुक आ गया है, एकदम वार्म टाइप का लुक आ गया है। जैसे कि ये बिफोर एकदम हट के लग रहा था, मतलब एकदम सीन अलग लग रहा था, हमारा कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। बट अगर हम देखिए अब सब कुछ मैच हो रहा है, यहाँ लग रहा है कि हम इस सिटी में इस वेदर में हैं। तो इस हिसाब से टेम्परेचर आपको प्लस में ही रखना, माइनस में मत रखना, क्योंकि जो सिटी है ये वार्म टाइप की सिटी है, आप समझ गए होंगे अलादीन वाला सिटी टाइप का ही है, उसी टाइप का हमने बैकग्राउंड भी लिया था। फाइनली दोस्तों हमारी जो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर आपको मॉडल पे कोई भी स्केचिंग वगैरह करनी है, सॉरी स्केचिंग स्मूथ वगैरह करना हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको स्मूथ वगैरह करना नहीं आता है फिर डिटच के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स जरूर से कीजिएगा। कमेंट उसलिए होता है, हम सभी आपको सिखा देंगे, फिर चाहे वो मोबाइल में हो चाहे पीसी में। अगर आप पीसी पे एडिटिंग नहीं सीखना चाहते तो मोबाइल में कमेंट जरूर से कीजिएगा, हम यही ट्यूटोरियल या फिर इसी तरह की एडिटिंग या फिर आने वाली एडिटिंग हम आपको मोबाइल में बताएंगे। तो डेफिनेटली मोबाइल सॉरी कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग वगैरह भी आप लगा सकते हो, लोगो वगैरह, बट यहाँ पे आप ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वरना आप ग्रेडिंग वगैरह कर दो नीचे से तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे से कोई हम ज़मीन पर नहीं, इसलिए आसमान में ग्रेडिंग वगैरह नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ही है। आपको मैंने सभी के PNG मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, और मेक श्योर दोस्तों आपको ज़रूर से वीडियो पसंद आनी चाहिए या फिर आई होगी तो डेफिनेटली लाइक करना, भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल वाले ऑप्शन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम अच्छे अच्छे सॉरी ट्यूटोरियल्स आप तक पहुँचा सकें, ताकि आप हमेशा एडिटिंग सीखते रहें। और हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, बेसिकली लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड। अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर से पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, काफ़ी ईजी स्टेप्स में मैंने बताया, 2-3 स्टेप्स में ही हमने इसको कंप्लीट एडिटिंग कर ली। और हाँ दोस्तों ये लेयर्स को सभी को मर्ज कर लेना ताकि वो एक लेयर बन जाए, एक परफेक्ट फोटो बन जाए, ठीक है। अब ये हो चुका हमारा परफेक्ट फोटो, आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो और कहीं भी अपलोड कर सकते हो। अगर अपलोड कर दो मुझे टैग करना मत भूलना, अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसी कमाल के एडिटिंग के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।